हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? और अभी मॉर्निंग का 10 बज रहा है, हम उठ गए हैं और आज हम जल्दी उठे थे थोड़ा सा, तो चाय वगैरह हो गई है और बस सारा काम भी हो गया है। बाबू की बोतल वगैरह मतलब धुल गई हैं सब, तो अभी हम लेटे हुए हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी आज क्या, गर्मी हो ही रही है, 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आ गया मेरा मिंत्रा से पार्सल और इसमें हमने मंगवाई थी लोअर, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रही लोअर और इसका कपड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एकदम। ये देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसका प्राइस है 1100 और ये बहुत सुंदर लोअर है, समर के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये एनामोर कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसका कपड़ा देखिए, ये बहुत लूज कपड़ा है इसका। दूसरे के हस्ता लाए, कुछ ने सूखी सब्जी और छोला एक ही में मिला दिया। तुम शैतानी करोगे, तुम शैतानी करोगे। ये देखो भैया, ये इनकी शैतानी शुरू है। तुम मार खाओगे। भैया कैसे, फिर से करो कैसे, चप्पी ना बांधो भैया। ये चप्पी नहीं बांधते हैं ये लोग। इधर रुको रुको, डिशुम। कल भैया को फीवर आ गया था और इनको जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा था। अब इन्होंने मेडिसिन खाई है, थोड़ा सा इन्हें रिलीफ है। कौन आ गया भैया, ये कौन आया है? अरे पकड़ो ये, मैं रुक रहा है। देखो क्या हुआ बेटा, रुक इसको पकड़ो तो। क्या बनाने जा रही हो, इनके लिए खिचड़ी? देखना चीटी तो नहीं है। यक का यक नहीं पहनेगा वो। बाल नहीं। भैया अपना दाल चावल नहीं खाता है। जा जा, कौन लेगा? ये क्या है, क्यों फेंक रहे हो बार बार? गिर जाओगे बेटा। शैतान जीरा नहीं है। जीरा नहीं, जीरा को खाना चाहिए। हाँ। ये क्या देख रहा है उसमें? गंदे बच्चे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो गए हो। चलो रूम में बैठो, बाहर गर्मी में टहलोगी। अभी खांसी आ रही है।
गंदा बच्चा बैठो। अच्छा नहीं क्या जाते इसको बताओ। क्लैपिंग। अच्छा बस 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 गंदे बच्चे। बहू ये कैमरा बाबू को दिख गए। तो हे गाइस मैं अपने बाबू के साथ मस्ती कर रही हूँ और मेरे बाबू की तबीयत खराब है। इनको बहुत खांसी आ रही है और इनको इनकी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब रहती है इस टाइम पे, क्योंकि ठंडी गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। दूध आ गया बाबू का, दूध आ गया। गर्म है, ज़्यादा गर्म है क्या? और खांसी खांसी बहुत खांसी आ रही मेरे बेटे को। ठंडी गर्मी और कुछ भी इधर उधर का खिला दो तो इनका पेट खराब। तो अभी इनके साथ ये सब चीजें बहुत होती हैं। ये देखो बहुत छींके आ रही हैं, खांसी है, जुकाम हो गया है, नक्कू भी आ रही है मेरे बाबू को। और पता है इस टाइम पे ये चिड़चिड़े भी जब इनकी तबीयत खराब होती है। ठीक 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 रुक गई। हाँ तो जब इनकी तबीयत खराब होती है तो ये बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और किसी के पास नहीं रुकते हैं। मुझे लगता है सारे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, सिर्फ मम्मा के पास अपने रहते हैं। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ, ये फिर छींकाने वाली है इनको। फिर छींकते हैं उसके बाद हंसते हैं। एक तो मेरे यहाँ छोटू की आदत बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। अगर इन्होंने एक बार इसको ठंडा पानी पिलाया तो मान लो इसको थोड़ा सा इसने पी लिया तो ये दोबारा कभी उसको नॉर्मल पानी दे ही नहीं सकते, थोड़ा सा मिला जरूर देते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है इनकी। तो अभी हो गई है शाम और आज हम चलते हैं मैगी बनाने। तो मैगी के लिए सबसे पहले हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और अब इसमें 2 पैकेट मैगी डालेंगे क्योंकि हम 1 पैकेट खाएंगे और 1 पैकेट ये खाएंगे। तो अभी हम मैगी को अच्छे से बॉयल हो जाने देते हैं, मतलब कि अच्छे से बॉयल हो जाए, पक जाए, फिर हम इसको छान लेंगे। तो ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है और अभी हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम सबसे पहले तेल, तेल घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने तेल डाल लिया और उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दिया और इसको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए इसको हल्का सा फ्राई करके इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैगी में थोड़ा सा कम होता है इस टाइप से बनाओ तो थोड़ा नमक बाद में पड़ जाता है। तो अभी इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे और फिर जो मैगी हमने छान कर रखी है मतलब पानी से निकाल कर वो डालेंगे इसमें। ये मैगी के मसाले डाल दिए हमने। तो अभी हम इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे कि मसाला मिक्स हो जाए और मैगी डाल देंगे। और अब मैगी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि मसाला जो है अच्छे से मैगी में मिक्स हो जाए। और बस बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है ये मैगी। तो बस ये देखिए हमारी यम्मी सी मैगी बनकर तैयार हो गई है। ये वाली मैगी इनको नहीं पसंद है, मुझे पसंद है। इन्हें बस सिंपल जो पानी में डाल के बस बनाई जाती है वो वाली पसंद है और मुझे ये वाली। तो आज मैंने ये वाली बनाई है, अब इनको भी खाना पड़ रहा है। तो मुझे देखो इनका कैसा बना हुआ है। मैं खाना खा लूंगा बाद में। नहीं नहीं थोड़ी खाओ, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत खाएंगे मतलब। तो अभी हम लोग मैगी एंजॉय करते हैं और जिसका मन कर रहा है वो जाए जल्दी से मैगी लेकर आए और मैगी बनाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा है जिसको मैगी नहीं पसंद होगी। मैगी सभी को बहुत पसंद होती है। हाँ मैगी सबको बहुत पसंद होती है। तो अभी चलते हैं हम दोनों, जल्दी जल्दी से मैगी खा लेते हैं। तो इनको पसंद नहीं आई इसलिए इन्होंने बहुत थोड़ी सी खाई है और पूरी मुझे खानी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पूरी खानी है क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। हम बनाएंगे अपने हिसाब वाली और बहुत बढ़िया, बहुत तीखी बनाई है, स्पाइसी बहुत है। वैसे ही स्पाइसी बनाते हैं लेकिन कुछ तेल मसाला कुछ डालते ही नहीं, बस पानी में डाल देते हैं। तो मुझे वो कम पसंद है, ये वाली ज्यादा पसंद है। तो अब टन के अकॉर्डिंग बनाएंगे।
एक बार हम बनाएंगे तो दोबारा अगर बनानी पड़ रही तो ये बनाएंगे, ठीक है? लेकिन मेरे लिए मस्त बनती है। अच्छा खा लो अकेले के लिए मजा आ रहा है।